आज की जो रेसिपी है वो है लाहौरी मुर्ग छोले की, रेसिपीज बाय हाशिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी के साथ आपके तौर पर हाजिर हूँ और आज एक बड़ी स्पेशल सी रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है लाहौरी मुर्ग छोले। आइए उसमें जो अज्जा इस्तेमाल होंगे उनकी तरतीब व तफसील भी देख लेते हैं और देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरीके से तैयार होगी। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ हाशिम जह तेमुरी। आज की जो रेसिपी है वो है लाहौरी मुर्ग छोले की। उसके लिए मैंने चिकन लिया है आधा किलो, साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा ये मैंने चने जो हैं बॉईल कर लिया है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक कप, और इसमें है 3 अदद टमाटरों को मैंने पीस कर इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे दही के, और ये है मसूर की दाल, इसको भी मैंने 2 खाने के चम्मच मैंने इसको भिगोकर और उसके बाद इसको मैंने उबाल कर इसको पीस लिया है। ये है धनिया 1/2 चाय का चम्मच, इसमें मैं धनिया इस्तेमाल करूँगा, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर शामिल है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, इन दोनों को मैंने तवे पे रोस्ट किया, उसके बाद इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। नमक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हसबे ज़ायका, मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा ब्राउन प्याज। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप रेगुलर जो प्याज होती है नॉर्मल वो लेकर एक प्याज उसको ब्राउन कर लें, वो इसमें शामिल कर लीजिएगा। ये है 1 कप प्याज है। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा 1/2 चाय का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगा 1/2 चाय का चम्मच। अदरक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे गार्निश के टाइम पर। साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा हल्दी पाउडर पिसा हुआ है, ये है 1/4 चाय का चम्मच। हरी मिर्च, लीमू और हरा धनिया हम इसमें इस्तेमाल करेंगे गार्निश के तौर पे, और साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्चों का बारीक काट के या इसको पीस के पेस्ट बना के वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। गरम मसाला में इसके अंदर शामिल है, ये है मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा 1/2 चाय के चम्मच गरम मसाला, और इसके साथ ही इसमें अदरक और इसमें है लहसुन, 1/1 चाय के चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगा। और ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1/2 कप। तो ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पैन गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है, साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा नमक, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से ताकि चिकन का जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ टमाटरों का या पेस्ट जो कि मैंने ब्लेंड करके रखा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ लाल प्याज यानी ब्राउन प्याज, तो हमने इसमें शामिल कर दिया। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है पिसी हुई लाल मिर्च, और ये हल्दी पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और ये धनिया ये मैं इसमें 1/2 शामिल कर रहा हूँ और 1/2 बाद में शामिल कर दिया। 1/2 मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 1/2 मैंने रख दिया है, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगा। इस मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, और मैंने इसमें शामिल कर दिया है मसूर की दाल, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगा
चनों को और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और धनिया मैं से इस टाइम पे भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। और अब हम इसमें शामिल करेंगे एक गिलास पानी। और अब ये पानी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा और मज़ीद पकने देंगे और इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हमारे हो चुके हैं और अब मैं इसे कवर हटा रहा हूँ। और अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 2 अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट के वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। साथ ही एक मैजिक है जो कि मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, वो है अजवाइन। तो ये मैं एक चुटकी के करीब अजवाइन है ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इससे ये कि लाहौरी जो मुर्ग छोले उनका ज़ायक़ा और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और नमक मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ हसबे ज़ायक़ा। और 5 मिनट हमारे हो गए हैं और अब मैं इसको चेक करता हूँ। चिकन भी हमारी जो है गल चुकी है, ये यहाँ से नज़र आ रही है आपको साफ। और अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 अदद हरी मिर्चें, साबुत डालिए और गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसको हम मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए मैं और मज़ीद रख रहा हूँ दम पर। और रेसिपी हमारी तैयार हो गई। रेसिपी हमारी तैयार हो गई है लाहौरी मुर्ग छोले की और हमने इसको गार्निश कर दिया है अदरक हरी मिर्च और लीमू के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ हाशिम जह तैमूरी। शुक्रिया। Like, subscribe to my channel.